नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएचयू वाले पर। और हम लेकर आ चुके हैं कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप जो कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें मजा आ रहा होगा। आइए कम्युनिकेशन के उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिकेशन के क्या मीनिंग है, कॉन्सेप्ट है, करेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है। उसके बाद हमने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है। अब आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। आइए शुरुआत करते हैं कि कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से कौन कौन से होते हैं। देखिए, जब भी हम टाइप की बात करते हैं ना, तो हमें बेसिस देखना होता है कि किस आधार पे, किस बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक, तो हम रिलेशनशिप के आधार पे देखेंगे, चैनल्स के आधार पे देखेंगे, पर्पस स्टाइल के आधार पे देखेंगे और डायरेक्शन के आधार पे देखेंगे। सबसे बड़ी बात रिलेशनशिप, इस शब्द से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जब हम बात करते हैं तो किस रिलेशन से बात करते हैं, इसको फर्दरली जो मेजर ग्रुप में दो भागों में बांट दिया गया, एक इंट्रा पर्सनल और एक है इंटरपर्सनल। ठीक ना, इंटरपर्सनल। ठीक है, अब इंट्रा का मतलब विद इन अ पर्सन, विद इन अ पर्सन मतलब खुद से, विद इन अ पर्सन। ठीक ना, मतलब कि अपने आप में ही जब व्यक्ति बात करता है तो उसी को इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, होता है। आप कभी खुद ही सोचते हो तो जब मन में आप सोच रहे हो ना, लेकिन उसी को आप बोलना शुरू कर देते हो, खुद से डिसीजन सोचते हो कि अच्छा ये सही रहेगा, है ना, बड़बड़ाते जिसको कहते हैं, या फिर प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं जो अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती है ना अच्छे से, कि कोई किसी डिसीजन में लेना होता है और वो काफी कंफ्यूज होता है, तो एक तरफ उसके सामने, शीशे के सामने कोई ऐसा आता है जैसे कि वही खुद से बात कर रहा होता है और उसमें अपने जो भी डाउट्स है, प्लस माइनस जो भी है, डिस्कशन करता है। तो ये सारी चीजें इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ गई, और इसमें हम क्या करते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ थॉट, सेल्फ डिस्कशन करते हैं, जिसमें मेडिटेशन, प्रेयर, ये सब आते हैं। चलिए, और ये करना भी चाहिए। इस करने से क्या होता है कि क्लैरिटी आती है, हम किसी चीज को लेकर के उसके अलग अलग एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं इंटरपर्सनल, अब यहाँ पे पर्सन से आगे बढ़ गई बात, अब खुद से दूसरे पर्सन, अब ये दूसरे पर्सन आगे सामने वाला एक हो या एक से अधिक हो, लेकिन इस तरह के कम्युनिकेशन को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये बड़ा स्कोप है। इसमें अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा कि इनफॉर्मल होगा, है ना, इसमें फेस टू फेस होगा कि ऑनलाइन होगा, इसमें टोन देखना होता है, वर्बल नॉन वर्बल, बहुत तो सारी चीजें आती हैं कि आप सामने वाले से बात करो तो क्या मेथड होगा, किस तरीके का टोन होगा, किस तरह का चैनल होगा, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया रिलेशनशिप के आधार पे इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। अब अगला जो है हमारा वो है चैनल्स के आधार पे। ठीक ना, चलिए चैनल्स के आधार पे तो इसको थोड़ा मिटा दें क्योंकि ये तो हो गया खत्म। अब जो है हमें जो पढ़ना है चैनल्स के आधार पे, चैनल मतलब कि माध्यम क्या होगा, हम जो कम्युनिकेट करेंगे अपने आइडियाज को, इमोशंस को, इंफॉर्मेशन को, वो क्या अपनाएंगे, कौन सा मीडियम अपनाएंगे। तो ये दो तरीके का हो गया, कौन कौन सा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हम शब्द के माध्यम से अपने वर्बल और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल। अब देखिए, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यानी जब बाय वर्ड, जो वर्ड जिस चीज को डिनोट करेगा उसको वर्बल कहेंगे, और वर्ड के साथ हमारे और भी चीजें होते हैं जैसे बॉडी मूवमेंट, टोन हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, तो ये सारे चीज नॉन वर्बल में होता है, यानी नॉन वर्ड, यानी शाब्दिक और गैर शाब्दिक दो तरीके का हुआ कि हम शब्दों के माध्यम से जब कम्युनिकेट करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा आप चाय पियोगे, हमने बोला हाँ, ठीक, तो ये हो गया शब्द का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अगर किसी ने बोला चाय पियोगे तो हमने बोला जी, यानी बोला नहीं, शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बस मैंने सर हिला दिया, तो ये क्या हो गया, ये नॉन वर्बल में आ गया। ठीक, तो हम लोग बात जब करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों का इस्तेमाल करते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब अगर हम शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर दो तरीका हो जाता है। ठीक ना, एक तो हम बोलकर शब्द एक्सप्रेस करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, और एक लिख के, इसलिए हो गया ओरल और दूसरा हो गया रिटेन। ठीक ना, या तो बोल करके या तो लिख कर। ओरल भी जब हम करते हैं तो
आगे फर्दर हम देख सकते हैं कि इसको कैटेगराइज कर सकते हैं संख्या के आधार पे कि स्मॉल ग्रुप, अ स्मॉल ग्रुप और एक लार्ज ग्रुप। अब भाई जैसा ग्रुप होता है वैसा हम बोलते हैं। अब स्मॉल ग्रुप जो हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कि हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, अगर पास में है तो हम कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक, अगर दूर से है तो ये टेलीफोन कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये सब सारी चीजें क्या है, स्मॉल ग्रुप में है, वन टू वन या एक दो तीन चार ऐसे। लेकिन अगर ये लार्ज ग्रुप हो तो फिर हम क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं, है ना, मीटिंग करते हैं, रेडियो पे अनाउंसमेंट कराते हैं, ये सारी चीजें जो है, ये सब क्या हो गया, ओरल जो भी हम करते हैं वो सारी चीजें जो है एक लार्ज ग्रुप के लिए करते हैं, ठीक। अब यही चीज अगर हमें रिटेन करना हो तो, रिटेन का मतलब लिख करके अगर शब्द को एक्सप्रेस करना हो, तो यहाँ भी चीजें दो तरह की हो जाती है। एक स्मॉल ग्रुप के लिए अगर कुछ लिखना हो तो हम अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक, और अगर लार्ज ग्रुप के लिए लिखना हो तो अलग तरीके से लिखते हैं। अब स्मॉल ग्रुप में क्या लिखते हैं, हम लेटर लिखते हैं, मेल लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, ये सारी चीजें, टेलेक्स लिखते हैं, है ना, जो फैक्स करते हैं, भेजते हैं, मेल करते हैं, ये सारी चीजें जो है हम स्मॉल ग्रुप के लिए करते हो। और ये बड़े ग्रुप के लिए फिर क्या करते हो, न्यूज पेपर होता है, न्यूज लेटर हो गया, है ना, नोटिस हो गया, फिर आप क्या करते हो, आप बुलेटिन जारी करते हो, है ना, देख रहे हो बुलेटिन जारी होता है ना, पोस्टर जारी करते हो, ये सारे आपके जो है वो रिटन मोड में लार्ज ग्रुप को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए आप क्या करते हो, इस तरह का इस्तेमाल करते हो, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ओरल से रिलेटेड कुछ टर्म्स और कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ओरल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, जैसे पिच का ध्यान रखना होता है, वॉल्यूम का ध्यान रखना होता है, और क्या हो सकता है, रेट या इसको स्पीड कह लो आप, उसका ध्यान रखना होता है ना, और क्या ध्यान रखना होता है, तो हमें उसकी क्लैरिटी का ध्यान रखना होता है, कि वो क्लैरिटी हो, है ना, एक्यूरेसी हो, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। अब क्या होता है भाई, पिच, पिच हम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, जो साउंड क्या है, एक वेव है, हम लोग पढ़े थे कि साउंड जब हम बोलते हैं तो एक प्रकार का वेव है, और वेव में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी होगी भाई। हाई फ्रीक्वेंसी फीमेल में होती है ना, फीमेल में एक एज के बाद, जैसे प्यूबर्टी एज के बाद, आपने क्लास 9-10 में बायो के सब्जेक्ट में पढ़ा था कि जब बच्चियां एक प्यूबर्टी एज हो जाती है तो उनकी आवाज पतली हो जाती है, और आवाज पतली होने की वजह से आवाज उनका क्या होता है कि वो किस वजह से होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी से होता है, और हाई फ्रीक्वेंसी मतलब पिच उसकी हाई हो जाती है, पिच, है ना, इसी को पिच बोलते हैं। और अगर अगर उनकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई तो फिर क्या होगा कि वो लो होने की वजह से आवाज जो होती है मोटी हो जाती है, जैसे मेल में हो जाती है। तो ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी यानी पिच, पिच डिसाइड करता है हाई पिच है कि लो पिच है आवाज, है ना, तो ये चीज। वॉल्यूम आपका साउंड, जिसको हम ऑडिबिलिटी के आधार पे कि उसका कितना इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, कितना तेज बोल रहे हैं, धीमा बोल रहे हैं, तो ये टोन का, इसको आप कह सकते हैं टोन, टोन भी मैटर करता है। तो आपको बोलते समय आपका टोन मेंटेन करना होता है, टोन का बहुत बड़ा रोल होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाकी स्पीड, आप फास्ट बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो, मीडियम बोल रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करता है। बाकी आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्लैरिटी क्या है, आप जो बोल रहे हो स्पष्ट रूप से बोल रहे हो, है ना, इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो कि डायरेक्ट वे में बोल रहे हो, किन शब्दों का प्रयोग करो, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें हमने ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो था उसको समझा दिया। ये तो टर्म्स है, इसके बाद दो और कॉन्सेप्ट हैं ओरल से ही रिलेटेड। एक है फोनेटिक्स, फोनेटिक्स होता है, और एक होता है पैरा लैंग्वेज, है ना, पैरा लैंग्वेज दो टर्म है जो पूछ लेता है एग्जाम में, और इसका मतलब समझ जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। क्या भाई, फोनेटिक्स, साउंड, प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड, जो भी हम बोल रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, कितना सही होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, उस तरीके के जो स्टडी होती है या कॉन्सेप्ट होता है तो उसी को फोनेटिक्स कहते हैं, है ना। यानी फोनेटिक्स इज द स्टडी, या यू कैन से टेक्निक टू प्रोनाउंस द वर्ड, ठीक। पैरा लैंग्वेज क्या है, देखिए दो शब्दों से, लैंग्वेज एंड पैरा, अर्धभाषिक मतलब लैंग्वेज जो हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हिंदी इंग्लिश, लेकिन उसके साथ उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या टोन होना चाहिए, किस तरीके का प्रोनंसिएशन होना चाहिए, किस तरीके से हम उसको पिच मेंटेन करना चाहिए, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आ गई कि भाषा के साथ साथ भाषा के रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करने में जो चीजें प्रयोग की जाती है बोलते समय, उसी को पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। ये चीज ध्यान रखना है और आगे इसका इस्तेमाल भी होगा। चलिए।
अब रिटेल से संबंधित भी कुछ बातें हैं, तो मुझे लगता है कि ये अब मिटा देना चाहिए, ठीक ना? चलिए ये क्लियर हो गया। चल अब जो है रिटेल से संबंधित आपको क्या याद रखना है कि रिटेल से संबंधित एक जो कॉन्सेप्ट है कि कोई बड़ी लाइन या बड़ी चीजें जो आपको याद करने में मुश्किल होती है ना, तो आप उसके लिए एक अपना ट्रिक बनाते हो, है ना? और उस ट्रिक को पता है क्या बोलते हैं? निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स। एम साइलेंट होता है इसलिए एन से पढ़ा जाता है, निमोनिक्स। और ये जो है एक कॉन्सेप्ट है जो आप खुद करते हो, लेकिन इसको किसने दिया है पूछ लेता है। तो जी आर मिलर ने, जी आर मिलर ने 1967 में ये बताया कि भाई आप मिमेटिक्स का अगर प्रयोग करते हो, यानी एक ऐसा कुछ कोई बड़े से लिखे हुए टर्म्स हैं या चीजें हैं उसको अगर शॉर्ट कुछ बना लेते हो और इस तरीके से कि उसके ऑर्डर या उसके नाम आपको याद होने में आसानी होती है। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही था कि जब आप टीचिंग या लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता था कि भाई सीखना क्या है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी, कि आप कितना ब्रेन आपका है, मनोविज्ञान, मन कितना किसी चीज को याद रखता है, रिटेन रखता है, तो उस पर रिसर्च चलते रहते हैं। तो फर्दर ये जे आर मिलर ने बताया कि आप किसी चीज को शॉर्ट करके और उसको एक स्पेशल वर्ड बना देते हो तो ये याद रहेगा, ज्यादा याद रहता है, ज्यादा समय तक याद रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ आयुष, अब देखो अगर ऐसे कोई पूछ देता है कि भाई इंडियन मेडिकल सिस्टम जो शुरू से यहाँ के इंडिजिनियस मेडिकल सिस्टम थे वो कौन कौन से, तो पांच हैं, लेकिन वो सभी एग्जैक्टली नाम याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है, भूल जाते हैं अलग अलग नाम होने की वजह से। लेकिन उसी को एक अच्छा नाम बना दिया गया आयुष। आयुष से अब देखिए याद रहता है कि जो भी भारतीय जो पारंपरिक आयुर्विज्ञान विधि है, ए से ए फोर आयुर्वेदा, यू बाई फोर योगा, यू फोर यूनानी, एस फोर सिद्धा, एच फोर होम्योपैथी, तो ये देखिए याद हो गया ना आसानी से। तो आप देखते होंगे कि अभी जितनी स्कीम आती है या मोदी जी भाषण में ज्यादातर निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे कि भाई साहब जितने भी जैसे स्वच्छ भारत या फिर आप कह लो कि अलग अलग जो योजनाएं आते हैं स्मार्ट, तो ये कौशल, तो इस तरीके की जो योजनाएं आती हैं आप देखोगे तो वहां पर अगर उसका फुल फॉर्म देखोगे तो उसमें निमोनिक्स का प्रयोग किया गया है, ताकि आपको याद रहे कि भाई जैसे सीयूईटी अब याद हो गया ना, कॉमन हो गया है ना, सीयूटी सीयूटी, गेट, कैट, इस तरीके से आप देखिए कैट क्यों बना दिया गया, कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो ये क्या है, एक निमोनिक्स ही है। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं और खुद भी कर सकते हैं। कोई चीज ऐसा याद रखना है तो हम उसके वर्ड को अरेंज करके, रीअरेंज करके एक ऐसा शब्द बना लेते हैं जो आसानी से याद हो जाता है। ठीक, चलिए ये भी हो गया हमारा रिटेल से। तो अभी हम लोगों ने वर्बल कंप्लीट किया, अब जो है नॉन वर्बल पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वही वर्बल जो शब्द के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन वर्बल जो गैर शब्द, शब्द नहीं होता लेकिन शब्द के साथ जो हमारे बॉडी मूवमेंट होते हैं, टोन होते हैं, है ना, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये क्या होता है, देखिए अगर हम नॉन वर्बल को उनके नेचर के आधार पर बांटना चाहें तो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन, स्टैटिक और एक जो होता है डायनेमिक। अब इसका मतलब देखिए, मैंने कहा नेचर के आधार पे, यानी कि क्या उसकी प्रकृति है, जो बोलते हैं लगभग वही 7 या 8 तरीके के हमारे नॉन वर्बल जो हैं कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे जेस्चर। जेस्चर मतलब क्या होता है कि आप जो फेस हाव भाव होता है उसी को जेस्चर बोलते हैं। पोस्चर, आपकी बॉडी पोजिशन, बैठे हो, खड़े हो, है ना, कैसे बोल रहे हो आप। फिर टच होता है जिसको आप हेप्टिक्स बोलते हो, या फिर आप कह सकते हो कि प्रोनाउंसिएशन कैसी है आपकी, इसको आप फोनेटिक्स में या फोनेमिक्स कहते हो। ऐसे ही बहुत सारे टर्म हैं, तो मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम स्टैटिक का मतलब जो स्थिर हो, डायनेमिक मतलब बदलता है सिचुएशन के अनुसार, बदलते रहे, तो स्टैटिक में आपका सबसे पहले क्या आ जाता है, पोस्चर। भाई आपका पोस्चर फिक्स हो जाता है, मान लो आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप खड़े हो तो खड़े होकर बात कर रहे हो, या तो एक बार बैठ जाते हो, कैसे बात करो वो डिपेंड करता है। तो यह पोस्चर जो है, पोजिशन ऑफ योर बॉडी कैसे हो। दूसरा आपका जो फिक्स है वो है डिस्टेंस, स्पेस जिसको कहते हो, आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर, अगर आप 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो, 2 फीट की दूरी पे खड़े हो या और भी दूर हो, तो एक फिक्स होता है। जब आप बात कर लो तो एक बार बैठ जाते हो चेयर लगा के, तो बैठ जाते हो, ऐसे थोड़े कि पास और नजदीक आते रहते हो, है ना। और डिस्टेंस में भी हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस से भी कम्युनिकेशन का इंटेंसिटी और इंटीमेसी डिसाइड होता है। नेक्स्ट अगर आपका है टच, है ना,
तो ये जो है ये सारी चीजें क्या है, आप अगर हम बात करते हैं कि आपको फिक्स होता है कि आप कैसे बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको ओरिएंटेशन कैसा होता है, आपको कैसे बात कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी फिक्स होती है। ना ये ओरिएंटेशन, जैसे आपकी बात कर ले फिजिकल कांटेक्ट, इसको आप टच ना करके फिजिकल कांटेक्ट कह सकते हो कि आपका फिक्स होता है, ये ज्यादा सही टर्म होगा। तो फिजिकल कांटेक्ट जो है आपका, कि ये चार जो आप करते हो स्टैटिक मोड में, आप जैसे बात करना चाह रहे हो कि डिस्टेंस क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, फिजिकल कॉन्टेक्ट क्या है, पोस्चर क्या है, ये सारी चीज आपकी फिक्स होती है कि आपको कैसे बात करना है किसके साथ। लेकिन डायनेमिक है एक सिचुएशन के अनुसार कि भाई आपको बदलते रहना है, जैसे आपका जेस्चर, आपका हाव भाव है ना, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, अब जैसी बात होगी वैसा आपका एक्सप्रेशन करना होगा, है ना। अगर हम आई कांटेक्ट की बात करें तो आपका जो आई कांटेक्ट है, आंख का जो मिलाना है, वो अभी आप बात जैसी हो रही होगी ऐसे आपको आंख मिलाना होता है, आपको आई कांटेक्ट करना होता है, जिधर बात हो रही है जिधर इशारा किया जा रहा है उसको आप अपनी आंखों को भी उधर ही ले जाना होता है, ठीक ना। उसके बाद अगर आप बात करते हो, जिससे हो गया, जिससे आई कांटेक्ट हो गया, आप उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हो, तो ये हमने लिख ही दिया। तो ये सारी चीजें आपके क्या हो गए, आपके डायनेमिक में आ गए कि आपको बदलना होता है, ठीक। लेकिन इसी को अगर हम कलेक्टिवली कह दें, देखिएगा कि कलेक्टिवली अगर कह दें तो लगभग कहीं आपको 7 लिखा है, कहीं आपको 8 लिखा है, ठीक। अब देखिए एक जगह टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 7 करके लिख दिया है, उसी को बाद में उसके जो स्पेशल टर्म्स के साथ लिख दिया कि 8 हो गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप लगभग ये कह सकते हो कि हम जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन करते हैं वो 7 या 8 तरीके से करते हैं, और उसमें जो हम टर्म्स हैं दोनों को एक साथ ही कैटेगराइज करके बता देते हैं। जैसे आपका जो सबसे पहला है प्रोजेमिक्स, प्रोजेमिक्स का मतलब होता है डिस्टेंस मेंटेनिंग। भाई आप बोलते समय आप डिस्टेंस मेंटेन का भी ध्यान रखते हो कि कितना हमें किसी के पास जाना है या किससे कितना दूर होके बात करना है ना। ये बड़ा मैटर करता है कि भाई अगर पर्सनल होता है तो हम पास में आके बात करते हैं, ज्यादा इंटीमेट होते हैं तो हम और भी पास हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा दूर का रिलेशन है, पब्लिक है, पब्लिक प्लेस है, या पब्लिक लोगों से बात कर रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये डिस्टेंस भी बताता है कि किस तरीके के उनके बीच में रिलेशन है या कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी के साथ काइनेसिक्स, देखिए काइनेसिक्स क्या होता है, काइनेसिक्स देखिए काइनेमेटिक्स सुना होगा आपने ना, क्लास 9, 10, 11, 12 में आपने काइनेमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा, जिसमें मूवमेंट बहुत मैटर करता है। तो काइनेसिक्स का मतलब जो होता है यही मूवमेंट आपका क्या है, बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, ये बोलते समय आप कैसे पता ऐसे करके किसी को बोल रहे हो, आपको मैं देखता मतलब इस तरीके कहाँ करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना होता है, ठीक ना। तो ये काइनेसिक्स हो गया। इसी में क्या हो गया फोनेमिक्स, फोनेमिक्स का मतलब होता है वही साउंड से रिलेटेड, प्रोनाउंसिएशन से संबंधित। फोनेमिक्स, फोनेमिक्स का मतलब क्या, कि आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो उसका उच्चारण कहाँ से होना चाहिए, क्या सही उच्चारण होता है, उसको आप कैसे टोन में बोलोगे, ये सारी चीजें आप उसके अंदर करते हैं। तो देखते हो ना मगही का अलग टोन होता है, भोजपुरी का अलग होता है ना, या साउथ इंडियन का अलग है, नॉर्थ इंडियन का अलग है। तो इस तरीके का जो उनका जिसको हम क्या कहते हैं कि अपना अपना सबका जो स्टाइल है ना बोलने का, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा कैसे प्रोनाउंसिएशन, ठीक। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक हेप्टिक्स होता है ना। हेप्टिक्स क्या होता है, तो ये टच होता है, टच से संबंधित, क्या आपको कब कहाँ किसके साथ कैसे टच करना है, टच करके कम्युनिकेट करना, ये मैटर करता है। अब जैसे किसी को पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, तो कहाँ कैसे टच करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सब मैटर करता है। तो हेप्टिक्स का मतलब टच से संबंधित हो गया, ठीक है। उसी का फिर हम अगर कहें ड्रेस एंड अपियरेंस, ड्रेस एंड अपियरेंस जो है आपका भी कम्युनिकेशन करता है। देखिए अक्सर बच्चे यही समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब जो हम बोलते हैं बात करते, तो ये नहीं, बिना बोले भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा होता है। आप जैसा ड्रेस पहनते हो, आप जैसा अपियरेंस रखते हो, वो भी कम्युनिकेट कर रहा हो कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, ये सारी चीज आपके बारे में कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि ड्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। उसके बाद आप क्रोमेटिक्स, क्रोमेटिक्स का मतलब क्या होता है, कलर, कलर से संबंधित कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, कलर का भी अपना कम्युनिकेशन होता है। आप सिग्नल देखिए, कोई बोलता है भाई गाड़ी चलाओ, रोक दो, ऐसा कोई बोलता है क्या, वहां बस सिग्नल में रेड ग्रीन और येलो हो रहा होता है, उसका मतलब सब समझ रहे हैं, उसी के अनुसार गाड़ी रोकना है कि गाड़ी चलाना है, ये सारी चीजें समझ में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आइकॉनिक सिंबल का इस्तेमाल होता है, आइकॉनिक
आइकन्स का इस्तेमाल होता है, सिंबल का, जैसे आप देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे आजकल इमोजी टाइप का जो बहुत आता है, इस तरीके का आइकन्स इस्तेमाल होता है, फोन सीटबेल्ट बांधना है, इस तरीके का जो स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए, क्रॉसिंग है, आगे डाइवर्जन है, ये सारे आइकन्स के जरिए, सिंबल्स के जरिए आपको बताए जाते हैं। इन सब चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना होता है। तो ये सब क्या हो गए, पैरा लिंग्विस्टिक। एक जो है आपके साथ मैंने कहा कि भाई आप जब शब्द बोल रहे हो उसके साथ शब्द कैसे बोल रहे हो, क्या टोन है, क्या स्पीड है ना, क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सारी चीजें उसमें जो मैटर करती है उसी को पैरालिंग्विस्टिक बोलते हैं। तो ये सारी चीज हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी में हम लोग पढ़ेंगे पर्पस एंड स्टाइल के बारे में। तो क्या है, देखिए पर्पस का मतलब क्या, उद्देश्य है और किस तरीके से बात करना है, ये इसके आधार पे दो तरीके का हो गया, एक फॉर्मल दूसरा नॉन फॉर्मल, यानी जिसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं, है ना, औपचारिक और अनौपचारिक, इनफॉर्मल। और आप बचपन से लेटर जो लिखते आए हैं यही दो लेटर ही लिखते थे, है ना, क्लास 10 तक फॉर्मल लेटर लिखो, इनफॉर्मल लेटर लिखो। फॉर्मल मतलब ऐसा जो रिलेशन हो, रिलेशन बाय प्रोफेशन, रिलेशन बाय प्रोफेशन या वर्क, है ना, प्रोफेशन या वर्क, है ना, यहाँ काम से मतलब रहता है, काम से काम रिश्ते बनते हैं। जबकि इनफॉर्मल होता है दिल से रिश्ते बनते हैं, अपनापन होता है ना। तो ये रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सारे उसमें आ जाते हैं, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हो जाते हैं, ठीक ना। अब इसके अपने विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं से जब कम्युनिकेशन करेंगे तो उनके जो विशेषताओं को मेंटेन करके ही हम कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। भाई यहाँ पे क्या है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए कि किस तरीके से बात करना है, किसको हेलो बोलना है, किसको, है ना, हाय बोलना है, सबको हाय सर, हाय हेलो ऐसे नहीं बोल सकते ना, सबका एक रेस्पेक्टेड टीचर बोलना है, क्या बोलना है, इस तरीके से एक सैल्यूटेशन होता है, नीचे क्या लिखना है, आपने पढ़ा होगा इसमें, नंबर करते थे, है ना, कि भाई आपको कहाँ से सैल्यूटेशन स्टार्ट करना है, लास्ट में क्या लिखना है। लेकिन इनफॉर्मल में डियर, है ना, ये सारी चीजें आपने बचपन में ही पढ़ी है, लेकिन बस आपको यही इस्तेमाल रखना है कि स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये अस्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अनस्ट्रक्चर होता है, भाई कहीं से भी शुरुआत कर लो, ठीक है। इसका बड़ा कॉन्साइज होता है, कॉन्साइज एंड क्लियर होता है इसका उद्देश्य कि हम क्या, जैसे देखो पहले ही आप लेटर लिखते हो या एप्लीकेशन लिखते हो तो बता देते हो कि मैं इसलिए, सब्जेक्ट लिखते हो ना कि मैं इसलिए पत्र लिख रहा हूँ या बात करना चाहते हो, इस पर बात करना चाहते हो, तो टॉपिक डिसाइडेड रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जरूरी नहीं है, कहीं का बात कहीं शुरू हो जाता है इनफॉर्मल, देखते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भावनाओं का नहीं बल्कि भाषा का सही मतलब लैंग्वेज का देख लो, वर्ड का, ऑर्डर का, ये सारी चीजों को बड़ा अच्छा ध्यान रखना होता है, जबकि इनफॉर्मल में जरूरी नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है कि शब्दों पे मत जाइए सर, भावनाओं को देखिए, भावनाओं को देखिए, तो भावना का यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, लेकिन इनफॉर्मल में, ना कि वो फॉर्मल। तो ये कुछ बातें थी जिसको ध्यान में रख करके अपने कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाएगा, ठीक। चलो इसी में जो इनफॉर्मल है, इसी में एक टर्म है ग्रेप वाइन करके, है ना, ये क्या है, गॉसिप्स, ये क्या है, तो ग्रेप वाइन देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ये टर्म इमर्ज हुआ, और ये जब अपने में इनफॉर्मल जब दोस्त लोग बात करते हैं ना, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता, थोड़ा हंसते बोलते अलग अलग तरीके के टर्म्स में, जो हो सकता है दूसरे को ऑकवर्ड लग सकता है या दूसरे कल्चर को थोड़ा इनडिफरेंट फील हो सकता है, बट जो अपने में बात करते हैं कहीं से भी हंसते मजाक करते हुए, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को ही ग्रेपवाइन कहते हैं, ठीक। अब इसे ग्रेपवाइन के अंतर्गत होता है गॉसिप। गॉसिप का मतलब जब आपस में बात करते हो, है ना, इनफॉर्मल तरीके से डिस्कशन करते हो, तो उसी को गॉसिप बोलते हैं, जब आपस में लोग, और अक्सर देखो क्लास में लोग गॉसिप्स करते थे क्लास बचपन में, जब भी आए तो वो अपने घर की अपनी कहानी, हो क्या मिला, कौन था, कैसे था, वो अपनी कहानी ऐसे जो याने लगते थे, उसी को गॉसिप कहते हैं, है ना। चलिए अब इसी का अलग अलग टाइप होगा कि सिंगल स्टैंड में होगा, क्लस्टर वे में होगा, तो जस्ट उसी की गॉसिप कैसे कर रहे हैं, वन टू वन हो रहा है कि हमने किसी और को कहा, उसने किसी और को कहा, या फिर हमने ही सबको कह दिया, इसी के आधार पर उसका टर्म्स अलग अलग दिया गया। बाकी गॉसिप मतलब समझ गए तो उसका फर्दर डिविजन आप समझ जाएंगे ना। चलिए तो ये हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इसमें संबंधित मुझे लगता है कि सारी चीजें हो गए इनफॉर्मल से संबंधित। चलिए तो अब इसको भी कंप्लीट कर दिया गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। चलिए अब इसके बाद जो है हम डायरेक्शन के आधार पर देखेंगे कि क्या क्या कम्युनिकेशन होते हैं। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो डायरेक्शन के आधार पर जो टाइप है वो पढ़ना है, और एक नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझना है, ठीक ना।
अब डायरेक्शन के आधार पे तीन और नेटवर्क के आधार पे चार नेटवर्क होते हैं। कौन कौन, आइए देख लेते हैं कि डायरेक्शन के आधार पे सबसे पहला तो वही वर्टिकल वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन और एक डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल भाई इसका नाम जैसा हो सा याद रख लीजिए, वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम होगा, ये बॉटम टू टॉप होगा, हॉरिजेंटल जब ऐसे होगा इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा, और डायगोनल की दोनों को मिला दीजिए ऐसे हो जाएगा इस तरीके से कम्युनिकेशन। ये ज्यादातर वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जूनियर में टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो होता है उसी को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर से किसी ने निर्देश दिया वाइस चांसलर जी ने, वाइस चांसलर जी ने अलग अलग जो डायरेक्टर्स हैं या डीन है उनको मैसेज मिला, डीन ने प्रोफेसर को मैसेज दिया, प्रोफेसर ने क्या किया स्टूडेंट्स को मैसेज दिया, इस तरीके का जो बस ऊपर से कम्युनिकेशन आया नीचे तक फैला दिया गया, ये टॉप टू बॉटम हो गया। लेकिन कुछ डिमांड रखनी हो स्टूडेंट्स की तो स्टूडेंट ने प्रोफेसर को बताया, प्रोफेसर ने डीन को या हेड को बताया है, और डीन ने वाइस चांसलर से कहा, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन क्या हो गया आपका जो है वो टॉप टू बॉटम में आ गया, यानी बॉटम से टॉप की तरफ हो गया, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन में आ गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हॉरिजेंटल की बात करते हैं। अगर हॉरिजेंटल में क्या होता है कि पैरेलल जाता है और ये एक लेवल पे ज्यादातर एक जो लेवल होते हैं एक स्तर के उनमें बात होती है। जैसे देखिए भाई एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में जो अपने स्तर की बात होती है या कलीग है ना प्रोफेसर हैं तो उनके बीच में अपनी जो बात होती है इस तरीके के उसी को हम क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल बोलते हैं ना, ठीक। यानी अपने स्तर के अपने स्टेटस वाले से लोगों से बात करना तो इस तरीके कम्युनिकेशन को हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब डायगोनल क्या होता है कि वर्टिकल भी, वर्टिकल में क्या होता है कि भाई ऑर्डर देना हायरार्की इन सब चीजों को ध्यान में रख के बात करना होता है, लेकिन अगर हायरार्कियल ही बात हो लेकिन हॉरिजेंटल जैसा फ्रेंडली हो जाए तो ये डायगोनल बन जाता है, यानी टॉप टू बॉटम तो हो रहा है लेकिन है ना, मान लीजिए इसने किसी को कहा किसी और ने किसी और को कह दिया, तो इस तरीके से जो फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है सीनियर होने के बावजूद भी है ना आपस में किसी टीम में किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है कि ये जरूरी नहीं कि टॉप टू बॉटम ही हो, है ना हॉरिजॉन्टल भी होने लगती है और दोनों का मिला हुआ स्वरूप डायगोनल का स्ट्रक्चर ले लेता है, इसलिए इसको डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आपसे बस सीधी सी बात है वर्टिकल ही लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने लेवल वाली बात है ना बेहिचक कह सकते हैं अपनी बात शेयर कर सकते हैं, तो इस तरह का कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन में होता है, ठीक। अब अगर नेटवर्क की बात करें तो अब उसको देख लेते हैं, ये तीन हो गया भाई साहब आपके। अब अगर हम बात करते हैं नेटवर्क के आधार पे तो चार कौन कौन से नेटवर्क हो गए आपके भाई, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका एक सिस्टम बना होता है, नेटवर्क होता है कि कौन किससे कैसे बात करेगा, तो उसी चीज को समझने के लिए एक भाई चेन होता है स्ट्रेटली, जैसे कि भाई किसी से बात होगी चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वर्टिकल हो, ये चेन में होगा, वन टू वन होगा, इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होगी तो इसको चेन मेथड कहेंगे, चेन नेटवर्किंग कहेंगे। दूसरा क्या है सर्कल मेथड, सर्कल मेथड में क्या होता है कि कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं हो रही है बल्कि ऐसे घूम के हो रहा है उससे उसको उसको उसको, इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम सर्कुलर कम्युनिकेशन कहते हैं। ये ऐसा कब होता है, सपोज ये हम माता जी हैं है ना, मम्मी है माँ है, ये पिताजी है ठीक है, और ये भाई है मतलब लड़का है, और ये बहन है ठीक है, इस तरीके से कम्युनिकेशन जो होती है। अब देखिए लड़का पिताजी से कुछ कहना चाह रहा है, कोई डिमांड रखना चाह रहा है कि भाई मुझे ये फोन दिलवा दो, लेकिन वो खुद नहीं कह सकता, उसने मैसेज भेजा बहन को कि भाई फोन दिलवा दो ना पापा से कहो, बहन भी डायरेक्ट पापा से ना कहा कि मम्मी को बोले कि मम्मी आप ना पापा को कह दो कि वो फोन मांग रहा है, फोन की उसकी जरूरत है। अब पापा को बात ये पहुंच गए, अब पापा उससे पूछे क्या जी तुमको फोन चाहिए, तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर वो कैसा हुआ सर्कुलर हो गया, तो यही सर्कुलर नेटवर्क हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यह स्टार मेथड है। स्टार मेथड में क्या होता है कि आप देखते हो स्टार ऐसे बनता है, इसमें सेंटर ये है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा, ये भी, ये सब टीम में जैसे आप कप्तान बनते हो ना टीम का मैच खेलते हो तो कप्तान साहब भाई बीच में है बाकी सभी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस तरीके का अधिकांशतः जो टीम में या लीडर होता है टीम लीडर, तो इस तरीके से जो बात होती है कम्युनिकेशन होता है तो उसी को स्टार चेन कहते हैं, स्टार नेटवर्क कहते हैं। और एक जो होता है ऑल चैनल, ऑल चैनल क्या होता है भाई साहब, तो ये होता है कि हैं सभी लोग लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड है सभी एक दूसरे से बात कर सकता है, तो इस तरीके को ऑल चैनल नेटवर्क बोलते हैं। सीधी इस बात जैसा नाम वैसा उसका काम, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फंसते नहीं विद्यार्थी, उनको परेशानी नहीं होती है, कुछ अलग रहता है तब उसमें परेशानी होती है। जैसे अब यहाँ पे देखिए दो तीन कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना है जहां से एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। एक तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन में
कल्चरल, जब इनफॉर्मल की बात करेंगे तो कल्चरल डिफरेंसेस की सेंसिटिवनेस को दिखाया गया, और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इस पे, लेकिन कल्चर का ध्यान बड़ा जरूरी होता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जब इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं तो एक दूसरे का कल्चर का, एक दूसरे का है ना एथनिसिटी का ध्यान रखना होता है, तो ये हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे जो दो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, एक है आपका कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, क्या भाई साहब आपका कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, क्या है कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, क्या होता है कैसे, तो इस पे किसी ने काम किया है, किसने काम किया है, एक जो है कम्युनिकेशन इम्पैक्ट। भाई हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो कोई ना कोई हमारा उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है सामने वाले को प्रभावित करने, तो उस कम्युनिकेशन का, बात करने का कितना उस पर प्रभाव पड़ा, फर्क पड़ा, ये चीज कैसे मेजर की जाती है, तो ये सारी चीजें किससे पड़ती है उस पर काम किया है, किसने काम किया, तो मेहराबियन ने, एक मेहराबियन कॉन्सेप्ट है, तो किसने, मेहराबियन ने, मेहराबियन इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है कि मेहराबियन ने क्या कहा कि भाई देखिए जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें किसका ज्यादा प्रभाव होता है, तो उसने कहा 87% जो होता है, यानी 87% है ना, सॉरी हम 87 वाली बात नहीं कर रहे, हम जो बात कर रहे हैं अभी 3V की बात कर रहे हैं, यहाँ 3V, 3Vs का मतलब आपका वर्बल, वोकल और तीसरा जो है हमारा वो है विजुअल, ये 3V। मेहराबियन ने कहा कि हम जो कम्युनिकेट करते हैं भाई साहब उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, तो इम्पैक्ट में किसका ज्यादा रोल होता है, शब्द का है ना या टोन का, वोकल को आप टोन कह लो, टोन कह सकते हो कि हम टोन क्या होता है, और दूसरा है आपका विजुअल, विजुअल मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है, ये नहीं कि विजुअल कम्युनिकेशन आप चित्र दिखा दिए या फिर ऐसा कोई पिक्चर दिखा दिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज मतलब, और इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा 55%, क्या कितना 55% इसी का इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी 38% इसका और 7% वर्बल का। भाई साहब देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट डेटा है कि हम लोग ज्यादातर कम्युनिकेशन में शब्द, सेंटेंस, ग्रामर पे ही पड़े रहते हैं, बस ग्रामर में लड़ते हैं कि ग्रामर सही है कि नहीं, वर्ड हमने सही इस्तेमाल किया कि नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन में मात्र इसका देखिए शब्दों का खेल जो है 7% है, आपका टोन उससे ज्यादा मैटर करता है 38%, और विजुअल यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% मैटर करती है, आप जोड़ के देख लीजिए है ना कितना हो गया 8, 7, 15 यानी कि 45 और 5 50 50 100, यानी 100% जो भी कम्युनिकेशन करते हैं उसमें से किसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस फैक्टर का आप देख सकते हैं, वर्बल मतलब आपका जो शब्द है, वोकल यानी कि आप जो टोन रखते हो, और विजुअल मतलब कि आपकी बॉडी लैंग्वेज। अब जैसे सीधी सी बात है कि आप मान लो किसी से सामने वाले से पेन मांग रहे हो, ठीक, अब पेन मांग रहे हो, अब वो कोई भी हो सकता है, वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, भाई मैं ये नहीं कह रहा, वो आप अपने मन में सोच लो, लेकिन कोई भी सामने है उससे हमें पेन मांगना है, पेन आपके पास नहीं है, अगर आप ऐसे बोलो क्या एक पेन दे दो मुझे, तो सोचिए, और एक सामने आके कोई ऐसे कहे प्लीज कैन यू गिव मी अ पेन, तो देखिए उसका टोन कैसा है, और एक टोन तो अच्छा मेंटेन किया लेकिन ऐसे बोले कैन यू गिव मी प्लीज, तो उसका बॉडी लैंग्वेज था, लेकिन एक ऐसे बड़े प्यार से स्माइल के साथ कैन यू गिव मी अ प्लीज पेन, कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज, तो सोचिए तो भाई किसको मिलने का चांसेस ज्यादा होगा, सोच लीजिए, तो इसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होगा है ना, ऐसा देखिए अक्सर होता है कि सॉरी बोलने में, मान लो साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं है ना, किसी किसी का देखिएगा सॉरी टकरा दिया जान के या गलती से जो भी, और बोलेगा ओके कोई बात है सॉरी, अब सोचिए भाई सॉरी बोल रहा है, शब्द उसके सॉरी के है ना, वोकल भी देखिए तो वोकल में भी देखिए उसका एटीट्यूड ही रहेगा सॉरी, और उसमें भी उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसे बोल रहा है, लगा है जैसे एहसान कर रहा है सॉरी बोल कर, तो ये चीज मैटर करती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एग्जाम में पूछा भी जाता है तो वहां तो आप सही करिए ही करिए कि 50, 7, 38 और 55, लेकिन आप अपनी लाइफ में जो कम्युनिकेशन उसमें भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम अधिकांश जो है ना ग्रामर और वर्ड मीनिंग में ही लटके रहते हैं कि वर्ड मीनिंग, वर्ड्स कितना सही इस्तेमाल करें, और उसके बाद हम ग्रामर कितना सही करें, उसकी जरूरत है ग्रामर कितना सही हो, लेकिन उसके साथ साथ उससे ज्यादा जरूरत भाई आपके कम्युनिकेशन में मात्र 7% उसका रोल है, आपका सबसे ज्यादा रोल आपकी बॉडी लैंग्वेज पे है, आपके टोन पे है, तो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो मुझे लगता है, और ये किसने, भाई मेहराबियन भाई ने कहा है कि
सो याद कैसे रखें कि बोलिए किसी से लेकिन मेहरा के बोलिए, है ना। गांव वाले जो समझ जाएंगे कि मेहराना मतलब क्या होता है, मेहरा के बोलिए। तो मेहराबियन कॉन्सेप्ट थ्री बीज का, वोकल, वर्बल एंड विजुअल, ये तीनों का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक। चलिए अब इसी पे एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं बता देना चाहता हूं कि इसके अलावा हुआ कि देखिए जो आपके कम्युनिकेशन का जो है अटेंशन, यानी टीचर के लिए जो कहा जा रहा है कि टीचर कैसे अटेंशन गेन करता है और अटेंशन करने में क्या क्या रोल, कितना रोल किसका प्रभाव पड़ता है, अगर पढ़ा रहा है तो उसको इस बात का समझ होना चाहिए कि किन चीजों पे विद्यार्थियों का अटेंशन ज्यादा गेन होता है। तो इसके लिए टीचर के लिए ये बात है कि कैसे अटेंशन जो है गेन किया जाता है और कैसे वो अटेंशन गेन कर सकता है। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे सीइंग, देख करके कितना, अगर कोई वो चीज देखता है स्टूडेंट तो उसका कितना ध्यान आकर्षण होता है। हियरिंग, सुन के कितना उसका ध्यान आकर्षित होता है। उसी को अगर हम कहें कि बाद में टचिंग हो सकता है, टचिंग हो सकता है, स्मेल हो सकता है, ये सारी चीजें है ना। ये चार चीज है कि किसका कितना क्या रेशियो होता है। अब टच का जो है वो 1.5%, उसके बाद अगर हम बात करें स्मेल का तो ये 3%, लगभग कितना है यही 3.5% कर सकते हो। और हियरिंग का फिर क्या हो सकता है 7%, कितना भाई साहब 7% है। और बाकी जो कौन है सीइंग का है लगभग कितना 8, लगभग कितना वो आपके 87%, मतलब आप सोच सकते हो कि 7%, 3% है ना, और 1.5% देख लो जोड़ लो तो ये कितना हो गया 4, 1, 5, 7, 5, 12 और लगभग जो है 87% जो है इधर से। तो ये आपको बताया जा रहा है कि देखने का कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, कितना ज्यादा ध्यान आकर्षण होता है। इसलिए जब भी टीचर को पढ़ाना चाहिए तो बोर्ड और मार्कर का इस्तेमाल, विजुअल्स ग्राफिक्स का इस्तेमाल, मैप का इस्तेमाल, चार्ट का इस्तेमाल, इन सब चीजों का अगर वो इस्तेमाल करते हैं, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल, तब बच्चों का जो ध्यान है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अट्रैक्ट होगा पढ़ाई की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ। तो बस ये जो फ्लो चार्ट हम बनाते हैं वो उसी का कॉन्सेप्ट है, उसी का इम्पैक्ट है, ठीक ना। तो हम लोग आज सीख गए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि चार अलग अलग आधार पे अलग अलग कम्युनिकेशन होते हैं। कम्युनिकेशन में हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा कि कम्युनिकेशन में जो अभी तक हम गलती करते थे कि सिर्फ अपना पूरा फोकस वर्ड पे और ग्रामर पे देते थे कि हमारा वर्ड ग्रामर ना हो, है ना, हमारा जो है रूल कोई गलत ना हो जाए, स्पेलिंग गलत ना हो जाए, प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो जाए, वो सब तो मैटर करता है, लेकिन भाई उसकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारे कम्युनिकेशन में मात्र 7%। तो सोचिए जब हम उस पर उतना अवेयर होते हैं, उतना ध्यान देते हैं, तो इन चीजों पे कितना ध्यान देना होता है। यानी हमें अपने टोन पे ध्यान देना है और हमें अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, तभी हम एक अच्छा कम्युनिकेटर यानी अच्छा संचार करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए चैप्टर के नए कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए ऑनली ऑन BHU वाले।